हेलो। चलो सो कैलोरीमेट्री हम लोगों ने फिनिश किया, काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया वैसे बोर्ड लेवल के कंपैरिजन में। बाकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे क्वेश्चंस भी लगाएं, सारा क्वेश्चंस बनता जाएगा, बाकी डाउट क्लास में डिस्कशन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हीट में हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र क्या है बच्चा? हीट ट्रांसफ़र, तो हीट ट्रांसफर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हीट क्या है? एक एनर्जी है। हीट क्या है? एक एनर्जी है। और हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की। तो सबसे पहले हम लोग वही फिर से लिख देते हैं, हीट एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र ही होता है किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब देर आर थ्री वेरियस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, देर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। हीट ट्रांसफर, देर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसमें सबसे फर्स्ट मोड है कंडक्शन। कंडक्शन है ना। सेकेंड मोड है कन्वेक्शन। एंड थर्ड मोड है रेडिएशन। थर्ड मोड है रेडिएशन। ठीक है, सो हमारे पास जो है हीट ट्रांसफ़र की टेक्निक या मेथड जिनसे हीट ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किया जा सकता है, वी हैव थ्री मेथड। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज़ रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन आपके सिलेबस में है नहीं, बस केवल डेफिनेशन है, मतलब है कि कन्वेक्शन कैसे होता है, बाकी कंडक्शन और रेडिएशन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, वैसे 12th स्टैंडर्ड में या अभी हम लोगों को जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है ना, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है, जस्ट इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि हाँ हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से, रेडिएशन मेथड से। आप बीटेक में जाओगे, अगर बीटेक करोगे तो पूरा हम लोगों को एक साल पढ़ना होता है हीट ट्रांसफ़र में। कंडक्शन पूरा एक सेमेस्टर पढ़ना होता है, रेडिएशन पूरा एक सेमेस्टर पढ़ना होता है 6 महीने। ठीक है, कन्वेक्शन पूरा एक सेमेस्टर पढ़ना होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग 1 डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन जो होता है ये बहुत स्लो होता है, दिस इज स्लो। ये जो होता है ये मॉडरेट होता है, ये जो होता है ये मॉडरेट होता है। एंड रेडिएशन इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दिस इज फास्टेस्ट। रेडिएशन इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, दिस इज स्लो, दिस इज मॉडरेट एंड दिस इज फास्टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग एक 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 को डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सारे मटेरियल्स जो भी सब्सटेंसेस हैं पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं, वो पार्टिकल वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब कंडक्शन में क्या होता है कि पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो किसी के पास ज़्यादा एनर्जी आ गई तो बगल वाले को वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे, ऐसे 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 हिल रहा है तेज़ी से, ये ऐसे ऐसे हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहे हैं, मान लो उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गया तो ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट करेगा, तो कुछ एनर्जी अपने बगल वाले से कोलाइड करके ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसके पास आ गया कि अपने बगल वाले को कोलाइड करके ट्रांसफ़र कर देगा, तो इस तरीके से एनर्जी जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, सिंपल कंडक्शन में हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रही है, पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखें कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र, हम लोग एक एक डिफाइन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र फर्स्ट, कंडक्शन कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, इन दिस
type of heat transfer particle of the medium, particle of the medium, particle of the medium does not, particle of the medium does not transfer, transfer from one place to another place. Simply, they give simply high energetic molecule, high energetic molecule transfer some of their energy to neighboring molecule. Neighboring molecule. ठीक है, समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूल ट्रांसफर, देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होते हैं उनमें हमको मीडियम चाहिए होता है. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स मीडियम, समझ पा रहे हो? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स मीडियम. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर्स मीडियम, वेर एज रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर मीडियम. वो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं. अगर इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर पार्टिकल ऑफ द मीडियम डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपली हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ट्रांसफर सम ऑफ देयर एनर्जी टू नेबरिंग मॉलिक्यूल, एंड दिस इज हाउ एनर्जी, हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस. ठीक है, एंड दिस इज हाउ, एंड दिस इज हाउ हीट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन कंडक्शन. देखिए मेरे को बुक का डेफिनेशन नहीं याद है कि मैं लाइन बाय लाइन बुक का डेफिनेशन रट के आया हूँ या बोर्ड पे लिख रहा हूँ. मेरे दिमाग में जो मेरे को मतलब जो पता है उस चीज़ का कि कंडक्शन एक्चुअल में क्या होता है, मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ. तो अगर आपको बुक का डेफिनेशन याद करना है तो आप बुक से देख लेंगे. ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, है ना, जैसे मान लेते हैं कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है इस शेप में, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना हुआ है ये सारा, है ना, मॉलिक्यूल से भरा हुआ है ना, पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल से भरा हुआ है. अभी मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा, है ना, पूरा ये मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, समझ पा रहे हैं, पूरा का पूरा ये मॉलिक्यूल से, बहुत एटॉमिक लेवल पे ये पूरा मॉलिक्यूल से भरा हुआ. हम लोग सभी जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं बच्चा? वाइब्रेट करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट. और हमने टेम्परेचर को भी डिफाइन कर चुके हैं, है ना, ये सारे मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना. अब मान लो हमने यहाँ पे बर्नर पे रख के हीट सप्लाई शुरू कर स्टार्ट कर देना, तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल डायरेक्टली बर्नर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, वो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि वो तुरंत हीट एब्जॉर्ब करेंगे. तो अब ये मॉलिक्यूल जो हैं ये ऐसे ऐसे तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेंगे, तो ये एनर्जी इसको दे देगा, ये मॉलिक्यूल एनर्जी इसको दे देगा, ये मॉलिक्यूल एनर्जी नेबरिंग मॉलिक्यूल को दे देगा, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ऐसे ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं. जब हीट सप्लाई शुरू करना स्टार्ट किए देना तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई, तो और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, तो कोलिजन की वजह से ये मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एडजेसेंट मॉलिक्यूल को दे देंगे. अब ये मॉलिक्यूल जो था इसके पास भी एनर्जी आ गई, 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 इसके पास, तो भी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे, तो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ऐसे ही अब ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हैं इनके पास भी एनर्जी ज़्यादा आ गई, तो और तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ये 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 अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को, ऐसे ट्रांसफर करते हुए चले जाते हैं. पार्टिकल अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, पार्टिकल सिंपल यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है, ये पार्टिकल सिंपल यहीं पर वाइब्रेट कर रहा है. इस तरीके से ये एनर्जी धीरे 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 करते यहाँ तक पहुँच जाती है, इस डायरेक्शन में
फ्लो करते हुए ऐसे हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। तो आपने एनर्जी यहाँ पे दिया, आपको हीट एनर्जी यहाँ पे पहुँच गई ट्रांसफ़र होते हुए। तो इस मोड से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? कंडक्शन बोलते हैं। देखा होगा आयरन रॉड, अगर हम लोग एक मेटल रॉड लें किसी भी की, आयरन की, एल्युमिनियम की, कॉपर किसी भी, अगर एक एंड उसको हम लोग आग के अंदर डाल दें तो दूसरा एंड भी धीरे धीरे गर्म हो जाता है ड्यू टू दिस मैकेनिज्म। ठीक है, नोट कर लें फटाफट और लिखे कंडक्शन रिक्वायर्स मीडियम, कंडक्शन हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स मीडियम, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर रिक्वायर्स मीडियम। ठीक है, नोट करो फटाफट, हो गया। चलो नेक्स्ट लिखें कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन दो टाइप का होता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन, है ना। नेक्स्ट कन्वेक्शन पढ़ना नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है। कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, तो कन्वेक्शन बेसिकली जो होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में मॉलिक्यूल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट इन दिस टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम, मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम गेट ट्रांसफर्ड transferred from one place to another place, ठीक है, another place। ये भी दो टाइप का होता है, पहला natural convection होता है and दूसरा होता है forced convection। समझ पा रहे हो? natural convection and forced convection। जैसे होता क्या, मान लेते हैं ये कोई liquid है, generally ये liquid में happen होता है। कंडक्शन जो होता है वो जनरली सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो होता है वो जनरली लिक्विड में होता है। ठीक है, चलो मान लिया इसमें हमने कोई वाटर वगैरह भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया। ठीक है, अब हमने इसको हीट सप्लाई करना, नीचे से बर्नर पे रख के, गैस पे रख के गर्म करना स्टार्ट किया। तो अब मेरे को बताओ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो लिक्विड मॉलिक्यूल नीचे की तरफ है, ये जल्दी से एनर्जेटिक हो गए, इनकी एनर्जी बढ़ गई जो इस रीजन में मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, इनका स्पेस लेने के लिए नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे समझ पा रहे हो? अब ये फिर से जब ये नीचे आएंगे तो फिर से ये जब फिर से हीट एनर्जी लेके फिर से ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से सर्कल बन जाता है, है ना। ही मॉलिक्यूल्स यहाँ से हीट एनर्जी लेते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर आते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस टाइप के हीट एनर्जी ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं कन्वेक्शन में। ठीक है, अब जो कन्वेक्शन है वो दो टाइप का होता है, कन्वेक्शन जो है वो दो टाइप का है, कौन कौन सा, कौन कौन सा, नेचुरल एंड फोर्स्ड। तो नेचुरल में नेचुरली होता है, जैसे ये अभी मैंने दिखाया, आप यहाँ सिंपल हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, समझ पा रहे हो। अब जो है फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, कभी आपने चाय ठंडा करते हुए देखा तो वहाँ पे क्या फोर्स कर रहे हो, एक ठंडी एयर फोर्स कर रहे हो, समझ पा रहे हो। या दूध पीने जाते हो ज़्यादा गर्म होता फूंकते हो, या फैन चला देते हो, समझ पा रहे हो, उसके सामने रख दिए, तो फोर्स कन्वेक्शन होता है। ठीक है, खैर इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ये आप बीटेक में पढ़ोगे। हाँ, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ऑल्सो रिक्वायर्स मीडियम
इसको भी क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मीडियम, ठीक है। ये जनरली लिक्विड में होता होता है, हैपेंस इन लिक्विड, किस में होता है बच्चा, लिक्विड में होता है, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सॉलिड में, तो सॉलिड से कौन सा टाइप का हीट ट्रांसफर हो सकता है, कंडक्शन एंड रेडिएशन हो सकता है, ठीक है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड से कंडक्शन भी हो सकता है, कन्वेक्शन भी हो सकता है एंड रेडिएशन भी हो सकता है, समझ पा रहे हो, जबकि सॉलिड से कन्वेक्शन नहीं हो सकता। अब लिक्विड में होता क्या है, दिस इज वेरी माइन्यूट, ये प्री डोमिनेटेड होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर डोमिनेटिंग एरिया होता है, ठीक है। कंडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है। अब सॉलिड में कंडक्शन एंड रेडिएशन दोनों होता है, रेडिएशन भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉलिड में कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते हैं, वो बधे हुए होते हैं, ठीक है। इसलिए सॉलिड में कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट हेडिंग डालें, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, ओके। लिखेंगे रेडिएशन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। रेडिएशन हीट ट्रांसफर जो होता है किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। तो मीडियम की रिक्वायरमेंट सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन को होती है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मैं बात करूँ सन से अर्थ पे जो सोलर एनर्जी आती है वो किस माध्यम में आती है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर से, ओके। तो लिखेंगे हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ रीचेस थ्रू रेडिएशन हीट ट्रांसफर किससे आती है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर से आती है, ठीक है। नोट कर लो फटाफट। अब चलो इस तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल से बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है, कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन का। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक रैक, क्या है, कवर्ड जो भी मानना है, इसमें रैक बने हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉल है, ऐसे ढेर सारी बॉल है, ठीक है। इन बॉल्स को इस कवर्ड में ला के रखना है, तो हम लोग कैसे रखें, कैसे रख सकते हैं, फर्स्ट मेथड, हमने क्या किया, पांच आदमी खड़े कर दिए रास्ते में, एक आदमी ये हो गया, हमने कुछ आदमी खड़े कर दिए रास्ते में ऐसा, ठीक है। ये यहाँ से एक बॉल उठाता है, इसको दे देता है, समझ पा रहे हो,
ये इस बॉल को इधर ट्रांसफ़र कर देता है, ये इस बॉल को इधर ट्रांसफ़र कर देता है, फिर ये इस बॉल को इधर ट्रांसफ़र कर देता है और ये इस बॉल को यहाँ रैक में रख देता है। फिर ये एक बॉल उठाता है, यहाँ से फिर से उठाता है बॉल, फिर ये इसे दे देता है, फिर ये अपने नेबरिंग मैन को दे देता है, फिर ये अपने नेबरिंग मैन को दे देता है, फिर ये अपने नेबरिंग मैन को ये यहाँ पे ला के रख देता है। समझ पा रहे? तो ये जो है ये फर्स्ट मेथड जो हुआ ये कंडक्शन में होता है। किस में होता है? कंडक्शन में, है ना। कंडक्शन में क्या बताया था कि मॉलिक्यूल जो अपने जगह से नहीं हिलते हैं। क्या ये पर्सन अपनी जगह से हिल रहा है? नहीं, सिंपल बॉल को उठा रहा है, नेबरिंग मैन को दे दे रहा है, ये नेबरिंग मैन को दे रहा है, ये इसे बगल वाले को दे दे रहा है, वो रख दे रहा है। ठीक है, समझ पा रहे? और बॉल यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो गया। तो हीट में भी ऐसे होता है। अगर कोई सॉलिड है, कोई सॉलिड है, समझ पा रहे हो, तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल हैं। यहाँ से हम लोग हीट दे रहे हैं तो ये जो पार्टिकल है ये इसको हीट दे देगा, ये इसको 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 दे देगा, और हीट एनर्जी यहाँ तक फाइनली पहुँच जाएगी। समझ पा रहे हो? तो सिमिलरली इस केस में हुआ, तो इस टाइप का जो ट्रांसफ़र हुआ हीट की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अब देखें क्या होता है कन्वेक्शन में, क्या होता है सेकेंड मेथड मैं क्या चूज कर सकता हूँ? मैं बोला भैया नहीं, नेबरिंग मैन को नहीं देना है, नेबरिंग मैन को नहीं देना है, पाँचों लोग काम पे लग जाओ जल्दी जल्दी, दौड़ दौड़ के पाँचों लोग जल्दी से, ये आदमी यहाँ से बॉल उठाया, दौड़ के गया, यहाँ रख के आया, है ना। ये दूसरा वो आदमी आया, यहाँ से बॉल उठाया, दौड़ के गया, यहाँ रख के आया, फिर ये आदमी वापस आया, समझ पा रहे हो, यहाँ से बॉल उठाया, फिर ऐसे गया, मतलब वो ये आदमी जा रहा है बॉल रख के आ रहा है, फिर आ रहा है ले रहा है, फिर जा रहा है, फिर रख रहा है, ऐसे इस तरीके से सब सारे पाँचों आदमी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो हीट ट्रांसफर हुआ वो क्या हो गया? कन्वेक्शन। याद करें, नीचे जब वाटर गर्म कर रहे थे, नीचे मॉलिक्यूल जो थे एनर्जी लेके ऊपर चले जा रहे थे, और उस मॉलिक्यूल का जगह लेने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल नीचे आ रहे थे, फिर भी वो गर्म होकर ऊपर चले जा रहे थे, इस तरीके से हो रहा था। अब रेडिएशन में क्या हुआ? थर्ड मेथड। ठीक है, हमने क्या किया, एक सोर्स को, एक आदमी को यहीं पे खड़ा कर दिया और ये सारा बॉल डायरेक्टली यहीं पे फेंक दे रहा है, इसे डायरेक्टली यहीं फेंक दे रहा है, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी इंटरमीडिएट आदमी के, ऐसे डायरेक्टली ऐसे फेंक दे रहा है। तो इस टाइप के एनर्जी को क्या बोलते हैं? रेडिएशन ही ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। किसी की ज़रूरत नहीं, बीच वाले की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली यहीं पे खड़े होकर हम फेंक दे रहे हैं ऐसे। तो इस टाइप के हीट, इस टाइप का जो ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। ठीक है, तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को किसकी ज़रूरत पड़ी? कंडक्शन और कन्वेक्शन को किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चा? मीडियम की, जबकि रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे सिलेबस में है सिर्फ कंडक्शन और रेडिएशन, कन्वेक्शन नहीं है, बट कन्वेक्शन का डेफिनेशन है, आप बुक से देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वेक्शन। क्या स्टार्ट करते हैं? कन्वेक्शन। तो नेक्स्ट लिखें कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर। तो ये किस में होता है? बेसिकली सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में होता है। किस में होता है बच्चा? सॉलिड में होता है। किस में होता है? सॉलिड में होता है। ठीक है, तो बेसिकली कंडक्शन में जो हमको पढ़ना है वो अपना फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक है, तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, ऑफ द बॉडी लिख लेते हैं। ठीक है, ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब हीट ट्रांसफर एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ए। सेकेंड पॉइंट, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड विल बी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये पर यूनिट टाइम, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम कर ले, पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है, टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी बाई डी एक्स. क्या है इसका मतलब, मैं समझा रहा हूँ, आप लॉ लिख लें, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एच विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है. नोट को इतना फटाफट थोड़ा मिटाना पड़ेगा, मिटाएं ऊपर. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो एच विल बी इक्वल हो जाएगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स. अब माइनस साइन यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे मान लेते ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, ठीक है, हीट एनर्जी का ट्रांसफर ऐसे हो रहा है इधर से इधर, क्यू ऐसे, ठीक है, इधर एक्स है आपका, ठीक है. तो मेरे को बताओ हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो मान लेते ये टी वन है, ये टी टू है, तो जब आप इधर से इधर मूव करें तो टेम्परेचर घट रहा है और एक्स बढ़ रहा है, मतलब कि जब आप ऐसे मूव कर रहे हो तो डी टी घट रहा है, डी एक्स बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को डी टी निगेटिव है, यहाँ पे डी टी क्या है, निगेटिव है. फाइनल माइनस इनिशियल करोगे टी टू माइनस टी वन, तो टी वन ज़्यादा है टी टू कम, टी टू माइनस टी वन क्या है निगेटिव, तो इस चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन लगाया गया है, ठीक है. तो क्यों निगेटिव आया समझ पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, लिखेंगे यहाँ पे डी टी इज निगेटिव, है ना, यानी कि अलोंग द लेंथ टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज देयर, इसलिए हमने माइनस डी टी बाई डी एक्स लिखा है. अब इसको देखेंगे तो डी टी निगेटिव है, डी एक्स पॉजिटिव, तो इस पूरे क्वांटिटी को, ग्रेडियंट को पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव किया गया, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा फूरियस लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आ गया, मिटा दे नीचे, चलो नोट कर लिया होगा, एच इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये पर यूनिट टाइम है, क्या है, पर यूनिट टाइम, ठीक है, एक सेकेंड है ना, तो एच इज इक्वल हो गया माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पे के क्या है बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ द, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, एंड नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी. अब देखें मेटल के लिए, फॉर मेटल, मेटल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो थर्मल कंडक्टिविटी घटता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ने पे थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है. तो इस थर्मल कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, इस थर्मल कंडक्टिविटी का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो जिस मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा हीट एनर्जी का ट्रांसफर उससे उतना ही ज़्यादा होगा, जिस मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा उससे हीट ट्रांसफर उतना ही स्लो होगा, ठीक है. तो थर्मल कंडक्टिविटी अगर किसी मेटल का ज़्यादा है इसका मतलब उसका हीट ट्रांसफर, उस मेटल से हीट ट्रांसफर तेज़ी से होगा, फास्ट होगा, ठीक है, और अगर कम है तो कम तेज़ी से होगा, ठीक है. तो इसका मतलब ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी के का मतलब, ठीक है. चलो नेक्स्ट लिखें, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी,
यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. नेक्स्ट, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. तो यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ध्यान से देखें. हमें देखा हीट एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड, ये हीट एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड कितना है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, है ना. हीट एनर्जी ट्रांसफर पर सेकंड एच इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये हम लोगों ने देखा. ठीक है, ठीक है, चलो. तो दिस इज हीट सप्लाइड पर सेकंड, हीट ट्रांसफर पर सेकंड. ठीक है, हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं किसका, थर्मल कंडक्टिविटी का. तो यहाँ से देखें, माइनस साइन को भूल जाए भाई, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इंटू डी एक्स बाई ए इंटू डी टी. ठीक है, एच क्या है, एच क्या है, हीट ट्रांसफर्ड, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड इंटू डी एक्स, लेंथ मीटर, बाय ए क्या है, एरिया मीटर स्क्वायर, इंटू डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. तो केल्विन ले लो या डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, दोनों में चेंज सेम होता है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को. तो मैं केल्विन ले लेता हूँ, केल्विन, डिग्री केल्विन. ठीक है, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन. ठीक है, या जूल पर सेकेंड कौन लोग क्या लिख सकते हैं, वाट, क्या लिख सकते हैं, वाट. तो इसका एसआई यूनिट आ जाएगा, एसआई यूनिट आ जाएगा वाट पर मीटर केल्विन. क्या आ जाएगा, वाट पर मीटर केल्विन, ये आ जाएगा यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें आप लोगों से पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, नोट कर ले इसको. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, चलो फटाफट बताओ आप लोग कैलकुलेट करके. ऑप्शन ए आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ. ठीक है, एम एल टी माइनस वन के माइनस वन, ऑप्शन बी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, ऑप्शन सी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन के माइनस वन, ऑप्शन डी नन. चलो फटाफट बताओ विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. फटाफट जल्दी बताएं, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. फटाफट 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 हो गया, चलो देखते हैं. तो डायमेंशन ने बोला था इसी से निकलता है, फार्मूले से निकलता है, यहाँ से निकाल. जूल एनर्जी है, तो यह क्या आ जाएगा, जूल बाई सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन. जूल का एनर्जी है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, बाई सेकेंड टाइम है इंटू मीटर, मीटर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल इंटू के क्या है, केल्विन टेम्परेचर, उसका डायमेंशन हम लोग के ही लेते हैं, उसका डायमेंशन हम लोग क्या लेते हैं, के ही लेते हैं. चलो ठीक है, तो देखें एक L से एक L कैंसिल आउट हो जाएगा, एक T से एक T कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी T ऊपर जाएगा, सॉरी कैंसिल नहीं होगा. तो ये कितना आ जाएगा डायमेंशन, M L T माइनस थ्री के माइनस वन. तो क्या कोई ऑप्शन इससे मिल रहा है, नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नन ऑफ दिस. ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड. ठीक है, चलो नेक्स्ट.
नेक्स्ट लिखें स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर एंड अनस्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है एंड अनस्टेडी, हमको ये पहले बताना चाहिए था स्टेडी एंड अनस्टेडी, बट कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लिखें स्टेडी स्टेट एंड अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी स्टेट क्या होता है, हम लोग लिखेंगे इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ टाइम एट डज नॉट चेंजेस विथ टाइम देन हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर, अदरवाइज हीट ट्रांसफर विल बी अनस्टेडी स्टेट। ठीक है, मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का हीट एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसे हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, इधर से इधर ऐसे जा रहा है ना। तो अगर हम लोग स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र लेते हैं तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे भी टेम्परेचर सेम। टेम्परेचर सेम का मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर T1 लेता हूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेचर T2 लेता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर T3 लेता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर T4 लेता हूँ, तो इस क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, वो वैल्यू कितना है, T1 ही है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, उसका वैल्यू कितना हर पॉइंट पे, T2 है। अब यहाँ और यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, तभी तो हीट एनर्जी आगे की तरफ जाएगा, बट एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट ट्रांसफर। मतलब जैसे मान लो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बिफोर स्टेडी स्टेट एंड, जैसे मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिखा T1, यहाँ पे रखा हमने T2। ठीक है, फिर स्टेडी स्टेट अचीव करने के बाद क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर T2, इधर का टेम्परेचर T1। तो सिंपल बताओ, T1 अगर मैं लेता हूँ, T1 इज़ ग्रेटर देन T2, ये है बिफोर स्टेडी स्टेट एंड ये आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो बिफोर स्टेडी टेम्परेचर यहाँ का T1 ज़्यादा है, यहाँ का कम है, यहाँ पे भी T1 ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा, इधर से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेगा, क्यू अमाउंट है ना। तो अभी होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकला, यहाँ पे Q2, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2 बिफोर स्टेडी स्टेट। मतलब कि यहाँ से जब हीट यहाँ पहुँच रहा है तो मटेरियल कुछ एब्जॉर्ब भी कर ले रहा है, मटेरियल क्या कर रहा है, कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा है और टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है। लेकिन जब स्टेडी स्टेट एज्यूम हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो यहाँ से सपोज Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकला, यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट पहुँचा, यहाँ पे Q3 अमाउंट ऑफ हीट पहुँचा, तो सभी क्या होगा, Q1 विल बी इक्वल टू Q3।
मतलब जितना हीट इधर से लिया सारा हीट ट्रांसफ़र होते होते यहाँ पहुँचे, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा उस पॉइंट का। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस क्यू1 का कुछ फ्रैक्शन इस क्रॉस सेक्शन पे एब्जॉर्ब हो गया तो यहाँ का टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, बट स्टडी स्टेट में टाइम के साथ टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब जितना हीट लेगा उतना हीट ऐसे ट्रांसफ़र होते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन जब स्टडी स्टेट नहीं था तो यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट चला, यहाँ Q1 पहुँचा, तो इस क्रॉस सेक्शन पे इस जगह पे Q1 का कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जब यहाँ पहुँचेगा Q2 तो Q1 जो होगा वो Q2 से ज़्यादा होगा। अब इस पॉइंट पे भी Q2 का कुछ फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ जो अमाउंट पहुँचेगा Q3 वो Q2 से छोटा होगा। समझ पा रहे हो? तो मतलब क्या है कि बिफोर स्टडी स्टेट सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, हम लोग क्या लिखेंगे, सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना हीट एनर्जी यहाँ से लेगा सारा का सारा ट्रांसफर होते होते यहाँ पहुँच जाएगा, मटेरियल कहीं पे हीट एनर्जी पे एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी। हमको जो सब कुछ पढ़ना है वो स्टेडी स्टेट का पढ़ना है। ओके, नोट करें फटाफट, नोट करो बटाए। चलो तो अब देखें ध्यान से, हमने जो फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा वो स्टेडी स्टेट के लिए, किसके लिए है, स्टेडी स्टेट के लिए। ये जो हमने पढ़ा H इज इक्वल टू -KA dT/dx, ये किसके लिए है बच्चा, स्टेडी स्टेट के लिए है, स्टेडी स्टेट। ठीक है, स्टेडी स्टेट मतलब कैसा भी सेक्शन हो भाई, मान लो ऐसा सेक्शन हो कुछ, ऐसा कुछ मटेरियल हमारे पास, तो यहाँ स्टेडी स्टेट में मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट इस क्रॉस सेक्शन पे इंटर करता है, तो यहाँ पे भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा, और इस क्रॉस सेक्शन से भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट फ्लो करेगा। हर क्रॉस सेक्शन पे अमाउंट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, सेम रहेगा पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर अचीविंग स्टेडी स्टेट, जैसे मान लेते हैं कोई पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो, समझ पा रहे हो, तो पर सेकेंड जो मास वाटर का फ्लो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, सिमिलरली अब मान लेते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन ले, ये ले लिया हमने, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, है ना, यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, यहाँ पे फिर से घटा दिया, समझ पा रहे हो। तो मान लेते हैं यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंटर करता है, तो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऐसे फ्लो हो जाए होते हुए जाएगा, इसमें भी क्यू, यहाँ से 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 भी क्यू, ऐसे कहीं पे भी स्टेडी स्टेट में हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितना हीट यहाँ से इंटर करेगा उतना हीट ऐसे फ्लो होते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। और ये जो हमने देखा ये किसके लिए है, स्टेडी स्टेट के लिए, किसके लिए है, स्टेडी स्टेट के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसी इक्वेशन का यूज़ कर करके हम लोग वेरियस सेप के हीट कंडक्शन को एनालाइज करते हैं। ओके, तो इसमें से फर्स्ट सेप होगा, लिखें नेक्स्ट हीट ट्रांसफर, लिखें फर्स्ट। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्ट्रेट रॉड। ठीक है, कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू स्ट्रेट रॉड। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रेट रॉड है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जस्ट हमने लिया लेंथ है इसका L। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने कॉन्स्टेंट लिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर हमने लिया T1, यहाँ का टेम्परेचर हमने लिया T2, एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। हमने इसको ले लिया एक्स एक्सिस, है ना, इसके अलॉन्ग हमने ले लिया वाई एक्सिस। इज दैट क्लियर,
तो अब मेरे को बताओ हीट एनर्जी किधर से किधर फ्लो करेगा? इधर से इधर फ्लो करेगा। अब इस पर फोरियर लॉ अप्लाई करना है तो हीट ट्रांसफर पर सेकंड कितना आ जाएगा? माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। बोलो, हीट ट्रांसफर पर सेकंड माइनस के ए डी टी डी टी डी टी ओ सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एच डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी, है ना। आप इंटीग्रेट कर दो इसको। तो देखें, जब टेम्परेचर टी वन है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जब टेम्परेचर टी टू है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल, जीरो से एल, समझ रहे, पूरा लेंथ एल, ठीक है, एल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? एच इंटू एल इज इक्वल टू, यहाँ से टी टू कर लो, सॉरी, माइनस के ए, के ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी होगा। लिमिट कहाँ से? टी वन से टी टू, ठीक है, टी वन से टी टू। तो यहाँ से एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस के ए बाई एल टी टू माइनस टी वन। माइनस को अंदर भेज दो तो एच कितना आ जाएगा यहाँ से? के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल, ठीक है, एच इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल। डेरिवेशन समझ में आया? डेरिवेशन समझ में आया कि नहीं? अरे भाई, फोरियर लॉ अप्लाई करना है तो हमने क्या किया, एक्स पे जाके एक डी एक्स का छोटा सा लेंथ लिया डी एक्स का। अब इसमें छोटू सा टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ जब आप मूव कर रहे हो, यहाँ से यहाँ जब मूव कर रहे हो तो टेम्परेचर में चेंज कितना रहा? डी टी। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ हीट फ्लो किया? मान लेते हैं एच। तो इस एच को हम लोग फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अप्लाई करें तो क्या लगाएंगे? माइनस के ए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? ए। टेम्परेचर चेंज कितना है? डी टी। लेंथ कितना है? डी एक्स। अब इसी को यहाँ से पूरा यहाँ तक अप्लाई करना है तो हमने इंटीग्रेट कर दिया, एच डी एक्स को इधर ले आए तो एच डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया? माइनस के ए डी टी। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे टेम्परेचर टी वन है तब डी एक्स, यानी एक्स क्या था यहाँ पे? जीरो। भाई एक्स माना वाई तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो। जब टेम्परेचर यहाँ पे, अच्छा, इस क्रॉस सेक्शन पे हर पॉइंट पे टेम्परेचर टी टू होगा, जब यहाँ पहुँचे टेम्परेचर टी टू पे तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? एल के बराबर। एल ये आ गया, ठीक है, नोट करें फटाफट। मतलब नोट करें फटाफट, मतलब मिटाएं, चलो, मतलब मतलब ये रॉड है ठीक है, लेंथ एल का है, क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है। इस एंड का टेम्परेचर है टी वन, इस एंड का टेम्परेचर है टी टू, तो इस रॉड से एक सेकेंड पर सेकेंड कितना हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा? पर सेकेंड कितना हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगा? के ए टी वन माइनस टी टू बाई एच होगा, सॉरी, पर सेकेंड। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू रॉड पर सेकेंड। मतलब जैसे सपोज यहाँ से 100 जूल एनर्जी इंटर करती है तो ये 100 जूल एनर्जी एक सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो? दिस इज द एच क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकंड। जैसे मैं बोलूँ 100 जूल, जैसे एच मैंने कैलकुलेट किया, सब कुछ टी वन टी टू का वैल्यू देके, के का वैल्यू देके, ए का वैल्यू देके कैलकुलेट किया और हमारा है 100, मतलब यहाँ से यहाँ तक 100 जूल एनर्जी एक सेकेंड में कंडक्ट कर जा रही है, ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखें हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन देखते हैं इसमें ग्राफ और अब बनाने के लिए। तो मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया बच्चा? टेम्परेचर टी का वेरिएशन लिया। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया? एक्स का वेरिएशन लिया। तो देखें, जब एक्स जीरो है इस पॉइंट पे तब टेम्परेचर कितना बच्चा? टी टू है। तब टेम्परेचर कितना है? टी टू। जब एक्स इज इक्वल टू एल हो जा रहा है तब टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? टी वन हो जा रहा है। तब कितना हो जा रहा है टेम्परेचर? टी वन, सॉरी
सॉरी ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। तो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना, तो ग्राफ ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन आएगा ये, ऐसा कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। इसको प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ जितना और पढ़ना है, ग्राफ भी आपको शायद नहीं पढ़ना है, बट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे टेम्परेचर कितना था, T1। एक्स इज इक्वल टू एल पे टेम्परेचर कितना हो गया, T2। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाफट, हो गया। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को फटाफट। ये एक रॉड है, इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस एंड का टेम्परेचर मेंटेन किया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका 0.25 मीटर स्क्वायर, लेंथ है रॉड का 1 मीटर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी है इसका 50 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर सेकेंड विल बी, ठीक है। ऑप्शन ए आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जूल ऑप्शन बी, 125 जूल ऑप्शन सी, 50 जूल ऑप्शन डी, 75 जूल ऑप्शन ई, नन। फटाफट जल्दी बिना देर किए हुए फटाफट बताओ, हो गया। चलो सब कुछ पता है, मुझे बताओ किधर से किधर हीट ट्रांसफर होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, दैट मीन्स ऐसे इधर से इधर जाएगा, है ना। तो हम लोग बताया एच, बार बार मैं क्यों लिख ले रहा हूँ एच, तो एच इज इक्वल टू फार्मूला क्या, के ए T1 माइनस T2 बाई एल। थर्मल कंडक्टिविटी के कितना, 50। क्रॉस सेक्शन एरिया ए कितना है, 0.25 इंटू T1 कितना, 100 माइनस 0। अच्छा आप कोई बोलेगा सर केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं आप, तो बच्चा केल्विन में स्केल में और सेल्सियस स्केल में चेंज हमेशा सेम आता है, तो ये T1 माइनस T2 चेंज है, तो आप चाहे केल्विन में करके करोगे चाहे इसके सेल्सियस में करके रखोगे हमेशा आंसर सेम आएगा, तो आप फ्री फील करें उसके लिए, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको केल्विन में करूँगा तो कितना आ जाता, 373 केल्विन, इसको कितना आ जाता, 273 केल्विन, तो चेंज निकालो 373 माइनस 273 कितना आ जाएगा, 100। तो इसलिए आप फ्री हो, ठीक है। सेल्सियस और केल्विन में चेंज जो होता है वो सेम होता है, इसीलिए आप उसमें संकोच ना करें, ठीक है। डिवाइडेड बाई एल, एल कितना है, 1 मीटर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1.25 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 125 जूल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक सेकंड में 125 जूल एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, 125 जूल पर सेकंड एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ठीक है। नोट करो फटाफट, मिटाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। यहाँ का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ है इसका 2 मीटर, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.2 मीटर स्क्वायर, एंड थर्मल कंडक्टिविटी है 100 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
एनर्जी ट्रांसफर्ड इन 10 सेकेंड विल बी, ठीक है? आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दें फटाफट। ऑप्शन में दे रहा हूँ ऑप्शन ए, थाउजेंड जूल। ऑप्शन बी, 10,000 जूल। ऑप्शन सी, 100 जूल। ऑप्शन डी, जूल। ऑप्शन ई, नन। फटाफट 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 फटाफट, जल्दी 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 फटाफट जल्दी जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फटाफट फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी बताएं। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो देखते हैं, तो सिंपल है, मेरे को बताओ ये हायर टेम्परेचर पे ये एंड लो टेम्परेचर हीट किधर से किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा एच। बार बार क्यों आ रहा है यार एच? तो ये एच का वैल्यू कितना होगा बोलो, के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल। के का वैल्यू कितना, 100। ए का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू टी वन माइनस टी टू कितना आएगा, 200 माइनस 100 बाई 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 इंटू 100 बाई 2 यानी कि आ जाएगा 1000 जूल। अच्छा ये जो निकाला हमने कि एक सेकंड में है, तो एक सेकंड में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, 1000 जूल। तो 10 सेकंड में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 जूल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज, ठीक है नोट कर लो फटाफट। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफर कंडक्शन बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? ये एक भट्टी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ से एक रॉड कनेक्ट कर दिया गया एक कंटेनर में, और इस कंटेनर में जो है वो वाटर है। वाटर क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? लेंथ जो है ये, दिस इज 1 मीटर, ठीक है? दिस लेंथ जो है 1 मीटर है। क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ द रॉड इज 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है? एंड थर्मल कंडक्टिविटी के इज 50 वाट पर मीटर केल्विन, एंड मास ऑफ वाटर इन द कंटेनर इज 100 kg। कितना है, 100 kg, या 10 kg लेते हैं, 10 kg, ठीक है, 10 kg, ठीक है? देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। इस वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है? आप सब सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन ए 10 सेकेंड, ऑप्शन बी
100 सेकेंड, ऑप्शन सी 50 सेकेंड, ऑप्शन डी 1000 सेकेंड, ऑप्शन ई नन। चलो नेगलेक्ट, यहाँ पे क्या करना है, नेगलेक्ट ऑल अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, नेगलेक्ट ऑल अदर टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब आपको सिर्फ कंडक्शन के बारे में सोचना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें फटाफट स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें। हो गया। चलो अच्छा, तो ये वाटर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसको इसका टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कराने के लिए इसको क्या सप्लाई करना पड़ेगा, हीट। कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, ms डेल्टा t के बराबर। तो कितना जाएगा हीट सप्लाई करना, मास कितना है 10 kg, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो तो कितना आ जाएगा 10,000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कितना होता है 1, स्पेसिफिक हीट वाटर कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 × 10⁴ कैलोरी। इसको जूल में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में, किसमें कन्वर्ट करना, अच्छा जूल में। तो 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है, इतना कैलोरी कितना जगह मल्टीप्लाई कर दो तो 50 × 10⁴ × 4.2, तो कितना जगह यहाँ से 210 × 10⁴, 4 ही आएगा ना, जूल। इतना एनर्जी चाहिए इस 10 किलोग्राम के वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। अब ये इतना अमाउंट हीट कहाँ से आएगा, यहाँ से इसे ट्रांसफ़र होते हुए जाएगा, ऐसे है ना। तो अब ये हीट एक सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक कितना हीट पहुँच जाएगा, वो हम लोग निकाल सकते हैं KA T1 - T2 / L करके। एक सेकेंड में कितना हीट जाएगा, K का वैल्यू है कितना 50, एरिया कितना है 0.5 × T1 - T2 कितना 100 - 0 100 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1L है 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2500 जूल, यानी एक सेकंड में यहाँ से यहाँ 2500 जूल जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से देखें, मान लेते हैं टी टाइम में वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, H × T = किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर 210 × 10⁴। तो टी कितना आ जाएगा 210, सिंपल यूनिटरी मेथड, बाई 2500, अब जो भी आए बाई 25, इसमें से तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो नन हो जाएगा, समझ पा रहे, ठीक है, नोट कर ले। अच्छा यहाँ पे देखें एक चीज़, थोड़ा सा मिस्टेक है कि टेम्परेचर राइज करेगा तो यहाँ पे हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा, बट हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वेश्चन सॉल्व करो तो मान लेते हैं, ठीक है। चलो हो गया, मिटा दें। अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट है, यहाँ पे किसी को डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए ना। ये एक सेकंड में इतना हीट दे रहा है तो टी सेकंड में इतना हीट देगा तो H × T किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस बार यहाँ पे आइस रखा हुआ है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर, ढेर सारा आइस है, ठीक है। लेंथ जो है दिस इज 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड 0.5 मीटर स्क्वायर, थर्मल कंडक्टिविटी इज 50 नहीं 100
वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। देन क्वेश्चन, मास ऑफ आइस दैट विल मेल्ट इन 10 सेकेंड विल बी, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ आइस ऑफ फ्यूजन कितना दिया हो, 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना। या आप इसको कर सकते हैं 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। 336 जूल पर ग्राम इतना ही होता है ना, 4.2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 42 इंटू वॉट में सोलो सौ, हाँ 336 जूल पर ग्राम, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट कर दो, बिना देर के वही स्टार्ट कर दो, बिना देर के फटाफट स्टार्ट कर दो, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन ए मास ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, अच्छा एक मिनट इसको ले लो आप, 42 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए 10 ग्राम, ऑप्शन बी 25/8 ग्राम, ऑप्शन सी 50/8 ग्राम, ऑप्शन डी नन। चलें फटाफट जल्दी बिना देर किए हुए जल्दी सॉल्व करें। हो गया, चलो देखते हैं। देखो इसमें जो कंटेनर में ढेर सारा आइस रखा हुआ है, इसको जब मेल्ट कराने के लिए हमको हीट चाहिए होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से एक सेकंड में कितना हीट यहाँ पहुँच रहा है एच, तो एक सेकंड में कितना हीट पहुँच रहा होगा वो निकाल लेते हैं, कितना पहुँच रहा होगा। के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल, के का वैल्यू 42, ए का वैल्यू 0.5, टी वन माइनस टी टू 100, L का वैल्यू 2, तो कितना आ जाएगा 42 इंटू 0.5 इंटू 50, यह आ जाएगा 42 इंटू 25 जूल एक सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में कितना हीट पहुंचेगा H इंटू टी, एच का वैल्यू हम निकाल सके 42 इंटू 25 इंटू 10, इतना जूल एनर्जी पहुंचेगा। तो 10 सेकेंड में अगर इस आइस के पास इतना हीट पहुंच गया, कितना आइस मेल्ट कर जाएगा, M इंटू L, ये है 42 इंटू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू, एल का वैल्यू कितना है 336, एम इंटू एल 336। अच्छा देखिए इसको मैं ग्राम में रख रहा हूँ तो आंसर हमारा ग्राम में आएगा, ठीक है। तो मास दैट विल मेल्ट कितना आ जाएगा, 42 इंटू 25 इंटू 10 बाई 336, इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा 250/8 ग्राम। क्या कोई मैच कर रहा है, नहीं तो ऑप्शन में, इज दैट क्लियर। सिंपल सी कहानी है भाई, इस आइस जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए, वो हीट कहाँ से आएगा, यहाँ से फ्लो होते हुए आएगा। हमको पता है कि एक सेकंड में यहाँ से यहाँ कितनी हीट पहुँच जाएगी, इतनी, तो 10 सेकंड में कितना पहुँच जाएगी एच इंटू टी, या एच इंटू टेन, या टी से एक सेकंड में यहाँ से यहाँ इतनी हीट पहुँच रही है एच, तो टी सेकंड में यहाँ से यहाँ कितनी हीट पहुँच जाएगी एच इंटू टी। अब उतना हीट ये लिया तो कितना मेल्ट होगा, हम लगा देते हैं क्यूज इक्वल टू एम इंटू एल, अब ये क्यू किसके बराबर होगा, एच इंटू टी इसके बराबर होगा, इक्वेट करके हम लोग मास निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंडक्शन के प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन को और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, फिर हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। ओके सर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके तब तक ले, टाटा बाय बाय।